75 वार्ड की जनता तय करेगी कि कौन होगा पटना का नया महापौर। हमारे साथ बिट्टू सिंह हैं, उनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह है, और अब आखिरी जो जोर है वो चुनाव प्रचार में लगाया जा रहा है। अपने मैनिफेस्टो के साथ आज मीडिया से मुखातिब हुए हैं। मैनिफेस्टो तो सर लाजवाब है, चुनौती कितनी बड़ी है? अब कहाँ कोई चुनौती है, जो था सो हम लोगों ने 10 महीने लगातार लोगों से मिल के, कोई चुनौती नाम करके कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, पटना की जनता यह चुनाव लड़ रही है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग। अब जाति धर्म की बात कर रहे हैं, पहला जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तो मुद्दा था, अब तो जाति और धर्म ही है। नहीं, आप एक बार समझ जाइए, ये सब बात करने वाले लोग वो लोग अपना काम को छिपाने के लिए, आप योजना लेके आइए ना, कौन मना कर रहा है? अब पटना का युवा सुनने वाला है जाति या धर्म का बात सुन रहा है? कोई नहीं सुनने को तैयार है। अब तो आपको योजना बताना होगा, आपको बताना होगा कि आप क्या किए, आपको ये बताना होगा कि हम कैसे क्या क्या आगे करेंगे। जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो लोग इस तरह का बात करना चाह रहे हैं कि एन केन प्रकारे हम हिंदू को हिंदू में बांटें, वर्ग से वर्ग को बांटें, हिंदू मुस्लिम करें, लेकिन आप विश्वास रखिए कुछ नहीं होने जा रहा। कई उम्मीदवारों को देखा गया कि वो बौरो जो विधायक हैं वो लेकर आ रहे हैं अपने जातीय समीकरण का, क्या जातीय समीकरण भी एक चोट बन सकता है किसी भी उम्मीदवार के लिए? अच्छा, आज तक सुने हैं कि कोई विधायक को इतना फुर्सत है? बौरो प्लेयर काम किया है, ओरिजिनल प्लेयर ना काम करेगा, बौरो प्लेयर बौरो ही होता है। और पटना की जनता इतना समझदार है इस मामले में कि कोई औरो बड़ो प्लेयर से वो सब समझने वाला लोग नहीं। हमने देखा था पटना सिटी में एक विज़न पर आप चर्चा कर रहे थे कि आप वार्ड वाइज क्लिनिक बनाएंगे और जगह नहीं मिलती है तो कंटेनर में भी, तो ये ख्याल कहाँ से आया? क्यों नहीं होगा? आप एक बात बताइए कि दवा मुफ्त मिलता है कि नहीं अस्पताल में? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से अगर आप उसको जोड़ देते हैं, देखिए थोड़ा सा विज़न होना चाहिए और थोड़ा समझ होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से उसको जोड़ देते हैं तो जितना दवा आपको मिलना है, जो गर्भवती महिलाओं को खाना है या शिशुओं का जो टीकाकरण होना है, वो उस वार्ड में अगर मिल जाए और डॉक्टर्स का अगर रोस्टर बन जाए कि आज हम फिजिशियन आएंगे, आज हार्ट के डॉक्टर आएंगे, आज पेट के डॉक्टर आएंगे, आज लेडी डॉक्टर आएगी, एक रोस्टर बन जाएगा और आप हॉस्पिटल से बुलवा सकते हैं, जो सभी जगह हो रहा है। जी देखिए, विनीता बिट्टू सिंह जी हैं। विनीता जी, नींद हराम हो गया है, अंतिम प्रयास, अंतिम जोड़ में आप लोग पहुंची हैं, क्या लगता है एक महिला होते हुए इतना बड़ा वार्ड को घूमना, 75 वार्ड है, क्या महिलाओं की समस्या निकली है? जी बिल्कुल, हम जब पूरे वार्ड में घूमे, हम 75 वार्ड में घूमे और सभी की समस्याओं को देखा, महिलाओं को भी समस्याओं को देखा, तो महिलाओं के लिए हम आते हैं तो उनके लिए ज़रूर हम मेरा प्रयास रहेगा कि उनके लिए हम कार्य करें, जैसे उनके लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराना पूरे शहर में, और उसके साफ़ सफाई के लिए भी महिला कर्मी ही रखेंगे, और उसी तरह वेंडिंग जोन बना के अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान देना, ताकि वो जितने भी वेंडर्स महिलाएँ हैं उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिले, तो इस तरह महिलाओं के लिए भी हमने सोच रखा है। अब पटना में सबसे बड़ा जो समस्या देखा गया जाम का है, और ये जाम मंडियों के वजह से लगता है। आप, हमने देखा है आपको कि कई मंडी में आप लोग पहुंचे थे, क्या वादा रहा है उन लोगों से, सब्जी बेचने वालों से या फिर जो रोड साइड ठेले लगाकर अलग व्यापार करते हैं? देखिए, हम पहले भी हम बोल चुके हैं कि वेंडर्स जितने भी हैं हमारे, जो बैठ के सब्जी बेचने वाले हैं, उन सभी को वेंडिंग जोन बना के हम एक निश्चित स्थान देंगे, उनका सामान कहाँ उतरे उसके लिए भी एक स्थान दिया जाएगा, और जितने भी ठेला लगा के बेचने वाले हैं उनके लिए है कि वो अपना घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो उसी प्रकार वो उनको रोड पर, उनको परमिशन नहीं रहेगा कि वो अपने रोड पर चारों तरफ लगा के अपने ठेलों पर सामान की बिक्री करें। और एक आखिरी सवाल, पटना जैसे राजधानी में देखा गया कि सबसे ज़्यादा जल जमा और नाला का जो प्रॉब्लम है वो दिखा, और इससे जुझारू सबसे ज़्यादा महिला ही रहती हैं, सड़क पर चलना हो तो दिक्कतें होती हैं, घर में उनको रहना है, नाला जाम रहता है तो ओवरफ्लो घर में होता है, तो नाले को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि कई जगहों पर ढक्कन भी टूटे मिलते हैं?
देखिए नाला जो जाम रहता है तो उसकी साफ़ सफाई पहले नाला उड़ाही जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें किसी तरह का मलबा ना फेंका जाए, जैसे कोई भी वेस्ट हो जो हम लोग बड़े नाले में नालिया में लोग फेंक देते हैं तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। जितने भी खुले हुए मेन होल है, आप सही बोल रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक है हर दृष्टि से, वो बच्चे हों महिलाएँ हों बुजुर्ग युवा सभी के लिए है, क्योंकि वो ढक्कन खुला रहता है। तो सबसे पहले उन सभी मेन होल को ढकने का कार्य किया जाएगा और नाला उड़ाही करके हम नालों की सफाई करके इस तरह की समस्या ना उत्पन्न होने। तो जोड़ा हिरन है, दौड़ लगाएगा राजधानी पटना की सड़कों पर? बिल्कुल दौड़ लगाएगा। दौड़ लगाएंगे सर? पूरे पटना में जोड़ा हिरन दौड़ रहा है और लोगों में अब विश्वास है यही जोड़ा हिरन जितना तेज दौड़ेगा उतना विकास का गति दौड़ेगा, यह तय। देखिए निश्चित तौर पर जोड़ा दौरन जो है, माफ़ कीजिएगा, जो जोड़ा हिरन है वो तेज़ गति से दौड़ेगा और राजधानी पटना महापौर के चुनाव में विनीता बिट्टू सिंह बोलेगा ये का नाम है। तो निश्चित तौर पर अंतिम प्रयास और इस प्रयास के साथ किस तरीके से पटना को सुरक्षित किया जाए और पटना को डेवलप किया जाए उन रणनीतियों के साथ विनीता बिट्टू सिंह चुनावी मैदान में है। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।